सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश स्वागत अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट प्रकाश स्वागत पर आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक जबरदस्त ट्रिक। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए राजस्थान जीके से रिलेटेड ट्रिक कंटिन्यू बैक टू बैक मैं आपके पास लेकर आता रहूंगा, तो आप देखते रहिए। आज जो ट्रिक मैं आपके पास लेकर आया हूँ वो मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख बांधों से रिलेटेड ट्रिक। ये 90% बांध मैंने कवर करा दिए हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिए बिल्कुल। तो देखिए जैसे पहला अपने लिखा कि रामगढ़ बांध जयपुर में है, पांचरा बांध करौली में, तो इससे रिलेटेड मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको याद रखना है भगवान राम जो है उसकी जय बोली जाती है, भगवान राम जो है उसकी क्या बोली जाती है, जय। तो रामगढ़ बांध कहाँ पे भाई, जयपुर में। नेक्स्ट अपन देखेंगे पांचरा बांध करौली में, इसको आपको ध्यान रखना है कि कौरव और पांडव जो भाई थे उनमें पांडव कितने भाई थे, पांच, यानी कि हम कह सकते हैं पांडव जो थे वो कितने भाई थे, पांच, और किनके भाई थे भाई, कौरव के भाई थे। किनके भाई थे, कौरवों के भाई थे, यानी कि पांच पांडव किनके भाई थे, कौरवों के भाई थे। तो यहाँ से पांच से आपको पांच पांडव याद आ जाएगा, किसके भाई थे, कौरवों के भाई थे, तो करौली आपको तुरंत याद आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बिसलपुर बांध टोंक है, तो बिसलपुर में 20 आ गया, कितना आ गया 20, 20 पे आके हमने किसी को टोक दिया कि भाई अब आगे गिनती मत बोले, बस 20 पे ही रुक जा, तो हमने उसको टोक दिया, तो 20 से क्या बन गया भाई, टोंक, यानी बिसलपुर बांध का है टोंक में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए जवाई, देखिए जवाई, जवाई जैसे हम जमाई की बात करें, जवाई राजा जैसे किसी की बेटी का पति होता है और जवाई घर पे आया उसको हमने क्या पिलाया, पानी पिलाया, क्या पिलाया, पानी, तो यहाँ पे जवाई को पानी और पानी से आपको याद क्या आ जाएगा, पाली, ठीक है, तो जवाई बांध कहाँ है, पाली में। नेक्स्ट हम देखते हैं ताल छापर, तो देखिए ताल छापर मान लो चाल छापर अभ्यारण दोनों ही चूरू में है, तो सिंपल आपको याद हो जाएंगे, ताल से ताला याद हो गया, और ताले के साथ क्या होती है भाई, चाबी होती है, क्या होती है, चाबी, तो ताला और चाबी एक साथ, और चाबी से आपको क्या याद आ जाएगा, चूरू में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोरेल बांध, मोरेल में देखिए एक शब्द आया है मोर, क्या है, मोर, और मोर जो है उसको कौन सा राजा पालता था, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह, तो सवाई के नाम से हमारे यहाँ एक ही राजस्थान में जिला है, और आपको तुरंत सवाई के नाम से सवाई माधोपुर याद आएगा कि मोर जो है उसको राजा सवाई जयसिंह पालता था। नेक्स्ट देखिए माधो सागर बांध दोसा है, तो यहाँ पे देखिए दोसा बीच में आ गया, क्या आ गया, दोसा, और दोसा को ही हम कन्वर्ट कर देते हैं दोसा में, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, दोसा में, तो दोसा और दोसा आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भोपाल, भोपाल में देखिए पाल आ गया, यानी पाला किसको नहीं जा सकता, चीता को, किसको नहीं पाला जा सकता, चीता को, तो भोपाल सागर बांध कहाँ पे भाई, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट हम देखते हैं जाखम बांध कोटा, तो जाखम का मतलब हम कह सकते हैं जख्म, और जख्मों को और नहीं काटा जा सकता, तो जाखम बांध कहाँ है, कोटा है, यानी कहीं पे भी जख्म अगर हमारे शरीर पे हो जाते हैं तो हम उनको और नहीं काट सकते, नहीं उनसे ज्यादा छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो जख्मों को और नहीं काटा जा सकता, तो जाखम बांध कहाँ है, कोटा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजा बांध, मेजा बांध कहाँ पे है, भीलवाड़ा, इसको हम कैसे याद रखेंगे, जो भील थे वो सिर्फ मजे के लिए शिकार करते थे कि हमको ये जानवर मारना है ना कि खाना है, ठीक है, तो मजे के लिए शिकार कौन करते थे, भील। तो देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैंने आपको याद करा दिया है, और मेरी 100% गारंटी है कि सभी बांध आपको इजीली याद हो गए होंगे। आपके सामने इन सब बांधों को मैं फिलअप करके दिखाता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू पढ़े रहिए मेरे साथ। हाँ जी, देखिए मैंने जिस ट्रिक से आपको याद कराया था उसी से हम सभी जिलों को क्रमबद्ध भर देंगे, कोई दिक्कत हमें आएगी ही नहीं, बहुत सिंपल ट्रिक है। जैसे कि मैंने आपको क्या याद कराया था कि भाई यहाँ पे राम का नाम आ गया, और भगवान राम की क्या बोली जाती है, जय बोली जाती है, तो जय का मतलब ये बांध कहाँ पे बताओ आप, जयपुर में, कहाँ पे, जयपुर में, ठीक है, सिंपल। अब जैसे यहाँ पे पांच याद आ गया, पांच कौन थे, पांडव थे, और उनके भाई कौन थे, कौरव थे, तो कौरव से आपको याद क्या आ गया भाई, करौली याद आ गया, क्या याद आ गया, करौली, बहुत सिंपल है, एक दो बार पढ़ने से आपको इजीली याद हो जाएंगे। बिसलपुर बांध 20, 20 एक संख्या है, 20 आते हमने किसी को टोक दिया कि आगे गिनती बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये कहाँ पे है भाई, टोंक में, क्योंकि हमने उसको टोक दिया कि आगे आप गिनती मत बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए जवाई बांध पाली में, तो जवाई जो होता है इसको हम जमाई कह सकते हैं, जैसे बेटी का पति और जमाई घर आए तो उसको क्या पिलाना है, पानी पिलाना है, और पानी से आपको क्या याद हो गया भाई, पाली याद हो गया, क्या याद हो गया, पाली, बहुत सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ताल छापर बांध और ताल छापर अभ्यारण, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों में ताला आता है और ताली के साथ क्या जोड़ी जाती है, चाबी, और चाबी से आपको क्या याद हो जाएगा, चूरू, यानी ताल छापर बांध कहाँ पे है, चूरू में। नेक्स्ट हम देखते हैं मोरल बांध है जो कहाँ पे है, तो मोरल में एक नाम आ गया मोर, और मोर को कौन पालता है, कौन सा राजा बताया था मैंने, सवाई जयसिंह, ठीक है, सवाई जयसिंह थे। अब सवाई के नाम से तो एक ही जिला है आपको पता है राजस्थान का, और उसका नाम है क्या है भाई बताओ, सवाई माधोपुर, ठीक है, तो इजीली आपको याद आ जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं माधव सागर। तो माधव सागर में दोसा आ गया और ये दोसा का मतलब मैंने क्या कन्वर्ट कराया था, दोसा में। किसमें कन्वर्ट कराया था, दोसा में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए भोपाल सागर बांध, तो पाल हम किसको नहीं पाल सकते भाई, चीता को नहीं पाल सकते, तो यहाँ कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे भाई, चित्तौड़गढ़ में। बहुत इजीली ट्रिक से आपको याद होंगे। नेक्स्ट जख्म बांध, जख्म को क्या नहीं कहा जा सकता, काटा नहीं जा सकता, तो जख्म को काटा नहीं जा सकता। आपको मैंने ये बताया था जख्म को काटा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोटा। क्या आएगा, कोटा। नेक्स्ट हम देखिए मजे के लिए शिकार कौन करते थे, मेजाबान जैसे मजे के लिए शिकार कौन करते थे भाई, भील। और यहाँ पे क्या आएगा भाई, भीलवाड़ा, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई है, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।